चरके खुला महिला मई ये भोजन महिला मई काए करऊ भी ए लौट के जाती ही अपने पति के पास जाती तो पति से क्या बातचीत करती ही मैंने क्या पति देव के चरण छूए भोजन बना लिया प्रणाम क्यों कैसी कैसी ऊपर सांस आ रही है बात क्या बात तो बहुत गहरी है क्यों सुनाओ मेरी दर्द दिल की कहानी सुनते ही भर लोगे नैनों से ऐसी क्या बात है प्रणाम और भोजन नहीं लाई तुम तुम्हारा हमें हिसाब समझ में नहीं आता बात क्या है महलों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं आपके लिए भोजन बना करके और लेके आती अरे माल खजाने की कमताई नहीं आटा की दाल चावल और आटा की कोई कमताई नहीं है बताइए प्रणाम सभी कुछ है आप ऐसी क्या आपत्ति है महलों में कोई चीज नहीं है सब जल के राख हो गई कोयला बन गए मैं आपके लिए किस चीज के भोजन बनाऊं जो आपके लिए खिलाऊं अच्छा कोई बात नहीं है प्रिय रानी दमयंती क्या बात आप दिल में थोड़ी ना हो मेहरबान हो भाइयों बड़ी समझदारी की बात है ये ढोला ऐसी वैसी चीज नहीं है सतयुग की कहानी है कारण क्या है इसमें थोड़ा सा इसका नेक ठाट हम ही लोगों कलाकारों की मजबूरी है उन्हें आप लोग कहते हैं मसाला कैसे पिसे मेरी जान बे मसाले ने ये राग खराब कर दिया वैसे ये सज्जुक की कहानी है ढोला कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है देखिए प्रिय रानी दमयंती आराम से तुम रहो दिल पर ठेस मत लाओ देखिए किसी ने कहा है कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं प्यासे वो भी हैं जो पड़े दरिया के किनारे तो ये समय की बात होती है आप घबराने की कोई बात नहीं है फिर क्या करूं और सुनो मैं बताऊंगा आपके आखिर भोजन कहां से लाऊं और कहां से बनाऊं मैं समझाऊंगा सुनो रणवासर के बीच में
मैं दीनार, अरे हाल तुझे समझाऊंगा, तुम जइयो कहीं को मान। जवान ये रानी कहना थी, हाँ कहो पर सामने, अरे मैना बनो है मेरे भाई, अरे पोसा कर तो मेरी दुलारे तुम जइयो रे भाभी के दारा पर। कोई बात कल, नहीं कल हो जाएगा, उनका बाबे दे दिया जाएगा, उधार में कोई वो नहीं है। ठीक कोई बात नहीं, ठीक है प्राणनाथ में जा रही हूँ, आप जाइए और तब तक मैं बैठा हूँ। मेहरबान हो भाइयों, रानी दहनंती आज बड़े भैया के महल के लिए शेर बराटा के लिए जाती है। आहारे समय समय से कोई इंसान ऊपर नहीं हो पाया, जिस पर समय आया समय ने झुकाया जरूर उसके लिए। हेलो, और ये